बांदीकुई उपखंड क्षेत्र के भावता गांव में स्थित नाथ समाज के समाधि स्थल से हरे पेड़ों की कटाई को लेकर समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। समाज के लोगों ने रविवार को समाधि स्थल पर पहुंचकर प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर ग्राम पंचायत के सरपंच रतिराम मीणा को मौके पर बुलाकर जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। गोपाल नाथ ने बताया कि समाधि स्थल कई पीढ़ियों से नाथ समाज के लोगों के लिए रिजर्व है, जिसमें लगे हरे पेड़ों को कुछ लोगों द्वारा काटा जा रहा है। इसके द्वारा पूर्व में भी पेड़ काटे जा चुके हैं। इसे लेकर समाज के लोगों में एकत्रित होकर पिछले दिनों पर्यावरण दिवस पर विरोध कर पुलिस को अवगत कराया था, जिस पर पुलिस ने पेड़ काटने वाले लोगों को पाबंद करने का आश्वासन दिया। इसके बावजूद अगर आज तक पेड़ों की कटाई नहीं रुकी, जिससे समाज के लोगों में रोष व्याप्त है। ग्रामीण सतीश योगी ने बताया कि नाथ समाज के समाधि स्थलों पर अंतिम संस्कार के वक्त भूमि की खुदाई कर समाधि दी जाती है। ऐसे में समाधि स्थल पर पेड़ होने से भूमि में नमी बनी रहती है, जिसकी वजह से खुदाई करने में परेशानी नहीं आती। वहीं भागचंद जोगी ने कहा कि शीघ्र ही पेड़ों की कटाई पर रोक नहीं लगी तो मजबूरन नाथ समाज को ग्राम प्रदर्शन करना पड़ेगा, इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। समस्या को लेकर समाज में पूर्ण रोष व्याप्त है। इस घटना के बारे में हमने पूर्व में भी पर्यावरण दिवस के मौके पर स्थानीय प्रशासन को सूचित किया था, उसके बावजूद भी लोगों द्वारा अभी भी कटाई जारी है। हमने अभी वापस पुनः समाज में रोष व्याप्त है। समाज के लोगों के द्वारा कलेक्टर साहब, एसपी साहब, एसडीएम साहब बांदीकुई अशोक गहलोत जी के नाम पे ज्ञापन तैयार कर ज्ञापन देंगे, और जल्दी अगर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो समाज आंदोलन के लिए उतारू है। श्रीमान से निवेदन है कि अवैध कटाई को तुरंत प्रभाव से रोका जाए। समाधि स्थल है सर, और हमारे पूर्वजनों की है, और इनकी पेड़ों की जो कटाई अभी भी जारी है, ये मतलब अवैध कटाई जारी है, और हम इसे बहुत ही तंग आ गए हैं। आगे अगर इस कटाई को और ये अवैध जो भी बना रहे हैं इनको नहीं रोका गया तो हमें मजबूरन होके हमें आंदोलन पे उतरना पड़ेगा, और फिर इसकी खास जिम्मेदारी हमारे प्रशासन की रहेगी। हमें हाथ जोड़ के विनती करते हैं सर।